आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। डोमचांच पुलिस ने 23 सितंबर को एक पिकअप वैन से 7 पेटी बंधवा, 2 पेटी खुला पावर जेल पकड़ा था, जिसमें चालक व मालिक के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। इस मामले को लेकर डोमचांच पुलिस के पिकअप वैन चालक मुमताज मियां को 5 अक्टूबर को डोमचांच बाजार से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद चालक मुमताज मियां ने पुलिस को गोदर गांव के आगे स्थित माइंस के बगल में तारकेश्वर मेहता के बने पक्के मकान के बंद 2 कमरा की स्थानीय मजिस्ट्रेट अंचलाधिकारी डोमचांच के समक्ष तलाशी ली गई, जिसमें आइडल पावर जिलेटिन रड 7 पेटी 1400 पीस व खुली पेटी 159 पीस स्टारडाइन 901 पावर जेल जिलेटिन 3 पेटी 600 पीस कुल 2159 पीस इलेक्ट्रिक डेटोनेटर 29 बंडल कुल 725 पीस विस्फोटक की बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि तारकेश्वर मेहता के माइंस के बगल में बने 2 कमरा से महेश मेहता द्वारा पावर जेल जिलेटिन पिकअप में लोड कराया गया था। महेश मेहता व तारकेश्वर मेहता के द्वारा अवैध विस्फोटक का अवैध रूप से भंडारण व व्यापार किया जा रहा था। पुलिस ने मामले में दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने की बात कही। कोडरमा से संदीप कुमार की रिपोर्ट। ये हम लोग का अभी जिला अवैध विस्फोटक कार्रवाई कर रहे हैं। इसी संबंध में अभी डोमचांच थाना में एक केस भी दर्ज हुआ था, जहाँ पर एक पिकअप वैन में कुछ विस्फोटक बरामद हुआ था, जिसपे 23 तारीख को एक केस दर्ज हुआ था विस्फोटक अधिनियम के। उसी में जो चालक फरार घूम रहा था उसको हमने पकड़ के लाया, और फिर उसने बताया कि विस्फोटक कैसे बरामद होता है। तो हमने उसको दोबारा उसे निशानदाही पे एक जगह और छापामारी किया, जो कि एक माइंस है जो कि तारकेश्वर मेहता के द्वारा संचालन किया था। उसके बगल में ही विस्फोटक का एक कमरा बरामद हुआ, 2 कमरे का रूम था जिसमें विस्फोटक बरामद हुआ। तो फिर हमने एक उन पर केस किया तारकेश्वर मेहता। किन किन लोगों पर मामले? शुरू का केस जो हुआ है वो पिकअप वैन पे हुआ है, और उसके जो अभियुक्त थे। फिर दोबारा केस जो कल हुआ है उसमें 2 अभियुक्त पे हुआ है केस, एक महेश मेहता एक तारकेश्वर। लगभग 7 पेटी जेलेटिन रेड बरामद हुए हैं, 3 पेटी जेल जेलेटिन है, और डेटोनेटर 29 बंडल। जो भी इस अवैध भंडारण या एक्सप्लोसिव पे कर रहा है उसमें हम लगातार छापेमारी करेंगे, और उसको लगातार हम लोग उससे पकड़ने का प्रयास करते हैं।